इंटेल कंपनी के सफल कर्मचारियों में से एंड्री ग्रोव भी उनमें से एक कर्मचारी है जिसने इंटेल कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। इंटेल कंपनी के तीसरे कर्मचारी एंड्री ग्रोव जो कि एक केमिकल इंजीनियर थे, इन्होंने 1980-90 के दशक में विकास के दौरान कंपनी को संभाला था। एंड्री ग्रोव ऐसी टीम के साथ काम किया करते थे जिसमें तकनीकी, मार्केटिंग, वित्तीय और प्रशासकीय कार्य देखने वाले पुरुष और महिला बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से काम किया करते थे। मतलब कि इस समूह में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी पर ना तो किस तरह की समय सीमा पाबंद थी और ना ही किस तरह के नियम कानून थोपे गए थे। ये अपने स्वतंत्र तरीके से काम कर सकते थे। सबसे खास बात तो यह थी कि इनकी टीम के पास ना तो कोई निजी ऑफिस था और ना ही पार्किंग के लिए कोई जगह थी और ना ही इनके पास कोई विशेष अधिकार थे। एंड्री ग्रोव अपनी टीम के कर्मचारी को एक विकल्प दिया करते थे, अगर कंपनी फायदे में होती है और स्टॉक ऊपर उठता है तो टीम के कर्मचारी इसमें पूंजी लगा सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जब एंड्री ग्रोव को अपनी टीम की जरूरत हुआ करती थी तो यह टीम अपने काम के लिए सख्त हो जाया करती थी। जब 1976 में इंटेल कंपनी संकट के दौर से गुजर रही थी तो टीम के सदस्यों ने खुद ने अपने तरीके से प्रयास किया और कई कई घंटों तक और अधिक से अधिक घंटों तक काम करके अपनी कंपनी की समस्या का हल निकाला और अपने तरीके से सख्ती से काम किया। ऐसे ही अन्य समस्या जिस पर इंटेल कंपनी के पेटीएम चिप में थोड़ी कमी आ गई थी जिससे इंटेल के उपभोक्ताओं को दिक्कत आने लगी। एंड्री ग्रोव ने $475 मिलियन खर्च करके उन चिप को वापस लेकर नई चिप से रिप्लेस कर दिया। एंड्री ग्रोव ने अपने लोगों को छोटे समूह में काम करने के लिए प्रेरित किया, हर किसी को अपने ढंग से काम करने के लिए अपने ज्ञान, अनुभव और रचनात्मक हिसाब से काम करने की अनुमति थी। टीम के मेंबर हर तरीके से प्रशिक्षित किए गए थे और वे अपनी कंपनी के लिए हर तरीके से तैयार रहते थे और अपना 100% देने के लिए बिल्कुल अधिक से अधिक समय तक काम करने के लिए तैयार थे। जब कंपनी संकट के दौर में हुआ करती थी तो टीम अपने तरीके से काम करके और अधिक से अधिक समय तक अपना दिमाग लगाकर कंपनी की हर समस्या को हल करने के लिए तैयार रहती थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब